गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे मित्रों, यह है अखेपुरा टोल प्लाजा। हम क्रॉस कर चुके हैं तो आज का हमारा लक्ष्य है पलसाना। गलती क्या हो गई कि गलती से गलत केबल आ गई, तो थोड़ा अगर साउंड की क्वालिटी अच्छी नहीं आए तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना आप, पर मैं मेरे वॉल्यूम को वैसे तेज कर लूँगा तो आपको शायद सुनाई देगा अच्छे से। तो बहुप्रतीक्षित जो हमारी यात्रा थी, एक डेस्टिनेशन था पलसाना गाँव, जो सीकर सिटी से लगभग 27 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ हम आज आपको वहाँ का सर्वे कराएंगे। साइकिल 40 की स्पीड पे कर लीजिए क्योंकि साइन बोर्ड आ गया है या बड़े बड़े वृक्षों ने आपका स्वागत कर दिया है। जय हो बरगद देवता की कृपा बनाए रखें। यह जीर्ण माता जी का मंदिर, जय श्री माता जी। और यह देखिए आप, शीशम के और करंज के वृक्ष इस बाईपास पर लगे हुए हैं, तो आप इसको भी एंजॉय कर सकते हैं। पर्यावरण बिल्कुल ग्रीन, हरा, ग्रीन ग्रीन सीकर, ग्रीन पलसाना। यह एक जेसीबी। तो मखेपुरा के लिए जैसे ही जयपुर के लिए निकलते हैं बाईपास से, तो देखिए हमारे को कभी भी इस तरह की हरियाली नहीं दिखती है, लेकिन इस पे जो भी ये बाईपास है, इस बाईपास में आप देख सकते हो नीचे साइड में इतने शानदार वृक्ष लगे हुए हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा टेढ़ा होकर देखना पड़ता है ज़िंदगी में किसी चीज़ को, तभी जैसे वो है ना उंगली टेढ़ी करके घी निकालना, तो वही चीज़ है भाई। थोड़ी सी अब मिट्टी आ गई है, पैरों को थोड़ा मजबूती से चलाएं वरना गिर सकते हैं। ये देखिए मजबूती बनाए रखें, आदत हो जाएगी अगर आप चलाते रहोगे तो। ये यहाँ पे थोड़ी सी गंभीर है, थोड़ी सी मिट्टी। यह देखिए पलसाना यहाँ से रह गया है 5 किलोमीटर्स और जयपुर 91 एग्ज़िट है इस हाईवे से 500 मीटर आगे। रिंगस भी इसी रोड पर आता है। ये हम एग्जिट कर गए हैं। ये देखिए खाटूश्याम जी 20 किलोमीटर है यहाँ से। यह नन्ना शिशु अपनी माँ के साथ खेलते हुए, इनका बापू भी है पीछे, पूरी फैमिली है। यहाँ आप राइट साइड में देख सकते हैं सिंघानिया ग्लोबल एकेडमी, जो मैं आपको बताता हूँ कि सीकर के अंदर बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो उत्तराखंड उत्तरांचल टाइप की शिक्षा देते हैं, जिसमें हर एक तरह का जो है कोर्स है और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी काफ़ी सारी हैं, वो आप यहाँ आके पता लगा सकते हैं और बिल्कुल रीज़नेबल रेट्स में, तो आपको बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। इनका बहुत अच्छा एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी है, बसेस भी बहुत सारी हैं सीकर में, बहुत सारे इस तरह के संस्थान खुल गए हैं। ये सुबह सुबह बाबा जी आ गए हैं, देखिए बारिश की वजह से सब कुछ हरा हो गया है, तो पशुओं के लिए काफ़ी सारा चारा है नेचुरल। ये देखिए फिर एक भाई ने, किसी ने गिलहरी को क्या बताऊँ यार आपको मैं, अरे भाई नियंत्रित करो, पलसाना 1 किलोमीटर बचा है, रिको इंडस्ट्रियल एरिया। ये देखिए जैसे ये गिलहरी क्रॉस कर रही है, देखिए ना, तो स्लो कर लो यार बस, गाड़ी में क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम क्या है, क्रॉस कर लेगी फिर निकल जाना। यह एक होटल हॉक आई है, इसमें भी आप रुक सकते हैं अगर जो आना चाहें यहाँ पे। सीकर, खाटूश्याम जी, सालासर वगैरह जो भी जाते हैं, तो पलसाना में भी होटल से थोड़ा सा आप 20-30 किलोमीटर दूर लोगे तो सस्ती मिल जाएगी। तो खाटूश्याम जी, शाकंभरी और ये आपके सालासर जाने वाले लोगों के लिए ये बहुत अच्छा एक वीडियो रहेगा, मैं मानता हूँ। ये देखो भाई लोगों की जो बोतलें पी हुई है सब खाली होके यहाँ कबाड़ खाने में आ चुकी है, तो भैया तोड़े नहीं, तोड़ने से कबाड़ खाने में नहीं जाती, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। राइट साइड में इंडस्ट्रियल एरिया रिको पलसाना। ये देखिए बड़े बड़े जो है यहाँ पे उद्योग लगे हुए हैं। और वेलकम्स यू एट आईआईटी पलसाना, आईआईटी पलसाना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर IGC रिको पलसाना का है। ये देख सो बहुत ही विशाल। यह है सीकर का सरस पार्लर, यहाँ पे देखिए ये डेयरी है पलसाना में, और यह इंडस्ट्रियल एरिया है। तो देखो जो भी यहाँ पे आए थक जाए तो यहाँ पे सरस की छाछ पी सकता है, यहाँ पे इनका आउटलेट भी है एक सरस के प्रोडक्ट्स है, छाछ लस्सी जो भी है वो आप यहाँ आके ले सकते हो बिल्कुल प्योर। यह सरस डेयरी सीकर पलसाना। पलथाना अलग है, हम लोग एक दिन गए थे खूडी से आगे 3 किलोमीटर पलथाना दादिया रोड पर, वह अलग है बिल्कुल। ये भाई साहब ग्रेफिटी वाले नटराज, बहुत ही शानदार कलाकार होते हैं ये लोग। ये लेफ्ट में देखिए आप जो गोदाम है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के FCI के, ये राइट साइड में सब स्टेशन है बिजली वाला जो है, इसके अंदर भी सघन वृक्षारोपण किया गया है और पूरी कॉलोनी है यहाँ पे। ये कृषि उपज मंडी है, FCI नहीं है सर, कृषि उपज मंडी। यह है एक पुराना मंदिर प्राचीन महादेव जी का, बालाजी की भी मूर्ति लगी हुई है, जय श्री बालाजी। यह राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय पलसाना, देखिए हम बिल्कुल केंद्र में आ चुके हैं।
यहाँ भी टॉयलेट्स का निर्माण किया गया दीवार के अंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी एक जो सिविक सेंस है लोगों में है यहाँ पे। ये श्यामलाल जी खेतान की पुण्य स्मृति में कोई ये बनाया गया है स्थान कोई मीटिंग्स वगैरह के लिए। यह है पलसाना। तो देखिए मैं इसकी भी एक स्टोरी बताता हूँ। पलसाना पे जब अब पहले जब बाईपास नहीं बना था तब लोग बाग या ट्रैफिक इधर से आया करता था, दो दो घंटे तक यहाँ पे जाम लगे हुए रहते थे। तो क्या है कि इस तरह से आप अतिक्रमण करते हैं, सड़कों को सकड़ा रखते हैं, तो आप रिजल्ट देख सकते हैं अंत में क्या होता है कि आपके बाईपास बाहर निकल के आप बैठे रहो। ये सब दुकानों वाले जो पहले जिनको जो आनंद थे ना, जो बड़ा ट्रैफिक चलाता था, यह ब्लॉक आयुष चिकित्सालय रोज की आयुष चिकित्सालय। देखिए भाई इसको कौवे को क्या मिल गया यार, ये वही यार बिल्ली। अरे भाई मत, थोड़ा सा देख के चलाया करो यार गाड़ियाँ, यह मेन केंद्र है। तो यहाँ पे एक एक दो दो घंटे ट्रैफिक जाम रहा करता था क्योंकि सकड़े मार्ग होने की वजह से गाड़ियाँ निकल नहीं पाती थी। ये लेफ्ट साइड में खंडेला की तरफ जाती है और ये जयपुर रोड की तरफ है, CHC है इस तरफ। मैं आपको एक दो नर्सरी भी है वो मैं आपको दिखाता हूँ आगे चल के। मार्केट काफ़ी डेवलप हो चुका है, ये और डेवलप हो सकता था अगर इन्होंने पूर्व में यहाँ के नीति निर्धारकों ने अगर सड़कें चौड़ी बनाई होती तो बाईपास नहीं बनता, और इस अगर यही चौड़ी होती तो सारा ट्रैफिक का जो है लाभ ये लोग ले सकते थे। तो देखिए नियोजन को अपनाना चाहिए सभी निकायों को, जिससे कि आज का नहीं वर्तमान का फ़ायदा नहीं देख के हम, एक जो दूरगामी फ़ायदा होना वह लोगों को मिले। यह देखिए अब लिमिटेड ट्रैफिक है, पहले बहुत ज़्यादा होता था यहाँ पे हम लोग आते थे जब 15-16 साल पहले। ये एक छोटी सी नर्सरी बालाजी के नाम से पर्यावरण प्रेमी ने बनाई है और यह है CHC, यह है CHC पलसाना उप स्वास्थ्य केंद्र पलसाना। यहाँ पे हमने इंटर्नशिप की थी 99 में, 3 महीने की जो रूरल वाली पोस्टिंग होती है। ये देखिए आप, देखिए माइक नहीं होने से कुछ हो सकता साउंड में आपको प्रॉब्लम आए, तो प्लीज़ एक बार इसको टॉलरेट कर लेना, बड़ाके से ध्यान रखूँगा मैं। तो ये है पलसाना, सीकर से 28 किलोमीटर दूर आ चुके हैं डॉक्टर प्रीतम सिंह ब्लॉग्स। ये देखिए एक बच्चा यहाँ कचरा खाली करते हुए सुबह सुबह स्वच्छ भारत अभियान में सहयोग देते हुए। पर यहाँ पे देखिए अभी वो ग्रीन और ब्लू वाले डब्बे मिले नहीं, देखता हूँ कोई मिलेगा तो। तो यार ये भी करो, छोटी छोटी पंचायतों में लग गए तो भाई इसमें तो लगने ही चाहिए। अब यू टर्न ले लेते हैं, काफ़ी लंबा बड़ा गाँव है, इतना आज के दिन हो नहीं पाएगा, इसलिए अंदर की ओर मैं आपको कोई पुरानी जो है निवास लोगों के दिखा सकूं। ये बाबू ने देखिए इंसिनरेटर है नेचुरल, आग लगा दिए कचरा डाल के, बहुत बढ़िया। खंडेला धाम यहाँ से 14.5 किलोमीटर दूर है, एक बहुत ही बड़ा मंदिर बना रखा है खंडेलवाल समाज का, वह भी आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से 14.5 किलोमीटर है, बिल्कुल नेचुरल है वो, मैं गया था एक बार वहाँ। तो यह जे के सोनोग्राफी सेंटर साला ये पलसाना डॉक्टर विनीत सोनी का। चलिए गांव के अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या मिलता आगे, क्या पता मोर भी मिली जाए। ये देखिए लोग बाग दुकानें खोल दी हैं व्यापार के लिए, बिसात बीत चुकी है सभी की, टाइल्स वाली रोड आ गई है, दैनिक दिनचर्या में सभी लोग लगे हुए। ये एक सांड विश्राम करते हुए और यह एक भारत निर्माण राजीव गांधी केंद्र। गायें खड़ी हुई यहाँ पे, गायों को दुलारते हुए बच्चा सो खिलाते हुए, अति सुंदर। ये देखिए आप नन्ही गाय एक और, यह है फूल जी पहलवान की दुकान। यह पलसाना की गलियाँ आप देख सकते हो, बहुत सुंदर। देखिए टाइल्स की सड़कें बनी हुई हैं ताकि किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम्स नहीं हो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। देखो रोड पे सड़क पे पानी भी नहीं है बिल्कुल। ये देखिए आप गांव की गलियां बहुत ही व्यवस्थित बना हुआ है, किसी भी प्रकार का कोई कीचड़ नहीं है, सभी लोग सफाई कर रहे हैं गांव में अपने घरों के सामने। यार वो वेट नहीं करते कि भाई कोई आके नगर परिषद आके यहाँ पे सफाई करे पालिका वगैरह। ये झुकने से देखो कमर की जो मसल्स भी मजबूत रहती है, बहुत फ़ायदा होता है इस चीज़ का। यह पलसाना का होली चौक, शायद यहाँ होली वगैरह खेलते हैं। यहाँ भी देखिए एक एक कुआ है और ये गन्ने की मशीन लग गई है भैया, सुबह सुबह गन्ने का रस जिसको पीना हो वह पी सकता है जय बजरंगबली के नाम लेके। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। यह देखिए एक प्राचीन कुआ,
बहुत सुंदर इसको कलर वगैरह करके रिनोवेट किया गया है। अब आए देखिए कुछ पुराने मकान दिखाता हूँ मैं आपको। यह देखिए प्राचीन निर्माण जो यह धरोहर है, जो शान होती है अक्सर हमारे गाँवों की, वह देखिए आप। जो यहाँ की स्थापत्य कला आप देख सकते हो, ये जो बैल्कनी निकली हुई थी बड़ी सुंदर बनाई जाती थी किसी ज़माने में, और पट्टियों से निर्माण होता था। ऐसा नहीं है कि भाई कोई वो जो आरसीसी वाले निर्माण नहीं होते थे। तो ये देखिए पुराना पलसाना, यह सिद्धि विनायक मंदिर पलसाना का, बहुत ही सुंदर। ये देखिए एक प्राचीन मकान। यह देखिए करणी माता मंदिर। भाई साहब ये आजकल क्या है कि बच्चों में भी आजकल धार्मिक आस्था की थोड़ी कमी हो गई है, तो बच्चे भी आजकल जो है, पहले तो घंटियां वगैरह बजाया करते थे। इस टाइम पे चढ़ाई है थोड़ा सा यार, अब अपन पैदल हो लेंगे। भाई साहब ये डॉग देख रहा ऊपर से, कूद मत जाना मेरे भाई, कूद मत जाना मेरे दोस्त। यह एक सकड़ी सी गली आ गई है। एक भाई साहब मिले थे, उन्होंने कहा यार पुराने मकान सब तोड़ के लोगों ने नए नए बना लिए। तो देखिए नई चीज़ें आकर्षित तो करती हैं, बाकी जो धरोहर होती है, जो हमारी विरासतें हैं, वह भी हमारे लिए एक गर्व का विषय होती हैं। जो लोग इनको संजो सके उनको सजोना चाहिए, ये बात है। तो ये हम वापस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं, पलसाना के स्टैंड की तरफ। यह था एक छोटा सा सर्वे पलसाना का, देखते हैं आगे और क्या मिलता है, वाइंड अप करेंगे, क्यों वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। पुराने भवन हमें इतने ज़्यादा मिले नहीं जिसकी हमें उम्मीद थी। यह आ गया है वापस स्टैंड, स्टैंड पे हम लोग वापस आ चुके हैं। यह तो ये था पलसाना गांव सीकर से, जो 27 किलोमीटर दूर है। यह वापस ब्लॉक आयुष चिकित्सालय आ गया है, निरंजन सिंह पीटीआई चौक पलसाना। तो एक वो और दिखा दें यार आपको, जो खंडेला की तरफ रोड जाती है ना, उस पर एक बार और कर जाते हैं, इतनी दूर आ गए तो। क्योंकि देखो अंडरपास भी है वहाँ, तो अपने को अब आजमाना ही है यार, रैंप बड़ा अच्छा लगता है। तो एक बार जो यूज़ कर लें उसको दिखा भी दें आपको, जो खंडेला पलसाना का जो पूर्वी रोड है जहाँ से खंडेला धाम जाते हैं। यह एक मस्जिद है, मुस्लिम्स का जो उपासना स्थल है, बहुत ही सुंदर बनाई गई है। ये खंडेला धाम वाली सड़क है, देखो भाइयों यहाँ से आप खंडेला धाम जा सकते हैं ईजीली, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही बड़ी बगीची का भी निर्माण वहाँ किया हुआ है, पिकनिक वगैरह वहाँ से आप परमिशन लेके वो भी मना सकते हैं वहाँ। तो ये आ गया अंडरपास आपके पलसाना का, जो रेलवे का अंडरपास है, जो आप जहाँ से आप इधर जाते हो, क्या नाम से, खंडेला, खंडेला वाली सड़क पे ये आपको मिला था आगे जाके। बहुत मध्यम मध्यम रोशनी आ रही है सूर्य की, देखिए साउंड थोड़ा सा पुअर हो सकता है क्वालिटी आजकल, लेकिन आप व्यूज़ एंजॉय करें जहाँ जो मैंने आपको दिखाना चाहा है। और ये रैंप भी खैर इतना ख़तरनाक नहीं है कि आप चला नहीं सको, आप अगर 10 किलोमीटर की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो इस तरह के रैंप्स आप इजीली चला सकते हो, कोई चढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यह सड़क जाती है कोठारिया जोहड़ा, कुछ बच्चे देखो स्वास्थ्य के प्रति सजग बॉल लेके जा रहे हैं, ये चर्चा करते हैं अगर ये चर्चा करेंगे तो। अरे यार बच्चों बात कर सकता हूँ क्या आपसे? वेरी गुड यार। बेटा ये बताओ, ये अपने इसमें रिकॉर्डिंग हो रही है ना, अपने ये सड़क किधर जाती है? तो ये प्यारे प्यारे बच्चे हैं 10th 11th 12th में, इन्होंने हमें ये रास्ता बताया, भगतपुरा नांगल और अभयपुरा। तो यार आज तो काफ़ी दूर हो गया, अब सीकर से मैं आया हूँ यार, है ना, तो थोड़ा सा बेटा टाइम लगता है ना, फिर मेरे को काम भी करना पड़ता है। तुम्हारे साथ एक फ़ोटो ले लूँ वीडियो? ये प्यारे प्यारे बच्चे हैं, तो ये अपने लक्ष्य को हासिल करें हम यही चाहते हैं, और आउटडोर एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दें, स्वास्थ्य लाभ लें, एंजॉय करें। तो देखिए गाँव की दुनिया में ये भी है यार, बच्चे मिल जाते हैं भाई साहब खेलने के लिए, और पेरेंट्स भी अलाउ कर देते हैं। शहरों में तो क्या पता नहीं चलता कौन सी गली में कहाँ चले गया बच्चा, यहाँ तो क्या आराम से पता चलता, चार लोगों की निगाह में रहता बच्चा कहीं जाता भी है तो। खैर ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे अपने शहरों के भी इस तरह का ग्रुप बना सकते हैं और उनको बाहर आउटडोर करना चाहिए। देखिए मुझे तो यही पता था कि भाई सीकर से बहुत से बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं, बट इन्होंने बच्चों ने मुझे बताया कि राजस्थान की तो बास्केटबॉल टीम भी है नेशनल लेवल पर। तो देखिए ये निकलने से ही पता चलता है ना। अबे देखो ये तो भाई इंतज़ार में खड़ा हो गया, अब इनके खुद के वाहन होते हैं मान लो 5-10 किलोमीटर 15 किलोमीटर तक के जो इसमें बैठे हुए हैं यात्री, तो यार अपनी साइकिल ले हो ना आप। भाई साहब ड्राइवर तो चाय पीने चले गया होगा, तो जाएगा ही वो, तो मालिक है भाई साहब, किंग है इस बस का वो।
तो ये लगभग हमने चारों दिशाओं में पलसाना की, हम नॉर्थ से घुसे थे, साउथ सीएचसी तक चले गए, फिर पश्चिम में कुछ पुराने गांव देखे और उत्तर के अंदर हमने कुछ चार बच्चे जो फुटबॉल के बास्केटबॉल खेलने जा रहे थे उनसे हमने बात की। तो यह था पलसाना सीकर से 28 किलोमीटर दूर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसा लगा आपको यह, कमेंट ज़रूर करके बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।